नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। बलिया त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में करनई बहुजन समाज पार्टी के प्रधान पद प्रत्याशी कुंज बिहारी रामपत्नी संजू देवी को 630 मत मिला, जिसमें से 87 मतों से विजय प्राप्त। उन्होंने कहा कि पंचायती चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ लड़ी गई, जिसमें हमारी जीत हुई। ये हमारी जीत नहीं, पूरी ग्राम सभा की जीत है। उन्होंने वादा किया कि गरीब अनाथ बेसहारा को मदद एवं बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्य रूप से बच्चा लाल, संतोष कुमार भारती, विजय शंकर राणा, साहतन भारती, रवि शंकर, संजीत मोहन, मुलायम, आकाश कुमार, अखिलेश प्रभुनाथ गौतम, राम शंकर चौरसिया, काशीनाथ, वीरेंद्र राम, रमेश कुमार, शिव कुमार, शिवा शंकर, उत्तम कनौजिया, मंटू राजभर, प्रभात अक्षय लाल राजभर, सुमित राम, मुकेश गुप्ता इत्यादि लोग मौजूद रहे। चंदन कुमार की रिपोर्ट। जी सर, आपका पर्चे कितने मतों से सर प्रधानी के चुनाव जीता है? 87 मतों से। लड़ाई बहुत ही संघर्ष हुआ, लेकिन आपके विपक्ष में कौन प्रत्याशी थे? विपक्ष में नंद कुमार यादव जी थे। उनको कितना मत मिला था? उनको 500 मत मिला जी। इस आप ग्राम के आप प्रधान हो चुके हैं, क्या पहल रहेगी, किस मुद्दे को लेकर आप एक रणनीति तैयार करेंगे और गांव को चलाने का कार्य करेंगे? गांव को देखिए, हमको सामाजिक तौर पर कार्य करना है, सार्वजनिक विकास करना है, सभी को लेकर चलना है, समस्या को हल करना है। जिसके पास अगर कोई भी दुख है, पीड़ा है, उसके पास जाकर उसको समझना है। लेकिन इस गांव में बहुत से गरीब घर है, अभी इनको आवास तक नहीं मिला है, सरकार द्वारा योजनाएं आती है वहां तक नहीं पहुंच रही है लोगों तक, गरीब लोगों तक। इस पर आपकी क्या पहल रहेगी? इस पर मेरा दो कदम बराबर रेडियो वीडियो सीसीटीवी मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट सबसे निवेदन रहेगा कि सब ज्यादा से ज्यादा हमारे गरीब लाभार्थियों को लाभ मिले और उनके लिए मेरा बराबर संघर्ष है जी। आपके गांव में अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते उबड़ खाबड़ थे, रास्ते खराब थे हम लोग, उस पर आपकी क्या पहल रहेगी बताइए? मैं तो पहले ही कहा था कि मैं सार्वजनिक विकास का जो कि रास्ता है, नाला है, बिजली है, जो भी हमारे गांव की समस्या है उसको हल कर। लेकिन एक लास्ट सवाल सर, अभी जो फिलहाल में चल रही है महामारी कोरोना, इससे बचाव के लिए आप गाँव में क्या पहल रखेंगे? इसके लिए मास्क के लिए सबको लिए निर्देश करेंगे, सभी लोग मास्क लगा कर चले, सैनिटाइजर हाथ में लगाए, लाइफ बॉय साबुन का प्रयोग करें और जो भी दवाएं हैं उसका छिड़काव करें। लेकिन आपके गांव में जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, चाहे प्रवासी मजदूर आएंगे, उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? बाय द वे पॉजिटिव हो जाते हैं या नेगेटिव आते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? स्वास्थ्य केंद्र खुले जाएंगे, उनके इलाज भी कराएंगे, उनके खाने पीने का जो सामग्री है वो भी उनके परिवार के लिए उपस्थित कराएंगे। इस जीत का स्नेह आप किसको देना चाहते? इस जीत का स्नेह हम पूरे समाज को दे रहे हैं, कि पूरे समाज को, ग्राम वासियों को दे रहे हैं कि वो हमको इतना सम्मान से इस गांव को चलाने के लिए। जी, प्रधान का चुनाव आप भारी मतों से जीत चुके हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।